नमस्कार मित्रों, आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कि जितिया का नहाए खाए कैसे करेंगे। तो जितिया का पर्व है, 6 तारीख को जितिया का पर्व मनाया जाएगा। उसके पहले नहाए खाए होता है, तो नहाए खाए बहुत जन को पता नहीं है नहाए खाए कैसे करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक स्टेप बताने जा रही हूँ कि मैं जितिया करती हूँ और अपना नहाए खाए कैसे करती हूँ। तो जितिया के नहाए खाए के दिन आपको सुबह सुबह स्नान करना होता है। उससे पहले आपको नाखून कट कर लेने होते हैं। नाखून काटने के बाद आलता पहनना होता है और उसके बाद माथे से स्नान करने के बाद कोई भी पर्व में हम पीला सिंदूर पहनते हैं। कोई भी पर्व हम करते हैं तो अपने सुहाग का पीला सिंदूर ही पहनते हैं। तो ये पीला सिंदूर मैंने पहन लिया है, नाखून मैंने काट लिए हैं, आलता मैंने पहन लिया है। उसके बाद नंबर आता है नोनी का साग और मड़ुआ का आटा का। तो जिसके घर में जैसा नियम होता है वो वैसा कर सकते हैं। मेरे घर में नियम है कि नहाने के बाद, जितिया स्नान करने के बाद मड़ुआ का आटा और नोनी का साग इंगलना होता है, उसके बाद ही जितिया का पर्व स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ नोनी का साग और मड़ुआ का आटा कैसा होता है और आप किस तरीके से करते हो, क्या करते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये है नोनी का साग। ये साग कुछ इस तरीके का होता है और नहाने के बाद इस साग को आपके जितने बच्चे हैं उतना जो है इसका कट करके ले लेना है, या फिर थोड़ा सा भी आप ले सकते हो। तो थोड़ा सा साग और ये आटा मैंने ले लिया हाथ में और लेने के बाद मैं इसे इंगल चुकी हूँ। तो ये दोनों निगलने के बाद ही जो है आपका व्रत का नहाए खाए शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये करने के बाद आपको बहुत सारा खाना बनाना पड़ता है, मतलब 5 रकम की सब्जी बनती है नहाए खाए के दिन। बहुत लोगों का बहुत नियम होता है, वो कहते हैं कि पारण के दिन बनता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, नहाए खाए इस तरीके से सुबह करने के बाद 5 रकम की चीजें बनती है। मतलब सबसे पहले मड़ुआ का आटा का रोटी बनेगा और उसे ही आप खाओगे नमक खाए बिना। सबसे पहले आप उसे निगलने के बाद आप उसका रोटी या फिर आप हलवा बना सकते हो, तो वो खाओगे आप और अपने बच्चों को दोगे, अपने परिवार में दोगे। उसके बाद 5 रकम की सब्जी बनती है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने जो है सारी सब्जियां बनाई। और 5 रकम की सब्जी में आपको बनाना है कोहड़ा, कंदा, ओल, झींगा, पोस्तू और डाटा आलू जैसे बोलते हैं, कच्चू पत्ता हो गया, साग हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया और पापड़ हो गई। तो इस तरीके से 5 रकम की सब्जी बनती है। और उस 5 रकम की सब्जी को बनाने के बाद आप थोड़ा थोड़ा जो है भगवान के नाम का भोग लगा दें और उसके बाद वो सब्जी खाकर, वो भात खाकर, वो जो है नहाए खाए होता है। शाम के समय पूड़ी बनती है, पूड़ी खीर, पिड़किया बनती है, मिठाई आता है, तो ये सबका भोग लगाते हैं हम। और भोग लगाने के बाद ही जो है ये व्रत जो है जितिया का नहाए खाए संपन्न हो जाता है। अगले दिन फिर हम व्रत करते हैं। तो आपके जगह पे आपके रीति रिवाज क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अपना जितिया का नहाए खाए कुछ इसी तरीके से करती हूँ। तो ऐसी कोई भी क्वेश्चंस आपकी होगी पूछने के लिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आगे फिर बताऊंगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।